कि रेंज हो वाई इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। ध्यान से सुनिएगा सर, आर्ग्यूमेंट की कौन सी बात कर रहे हैं? आर्ग्यूमेंट ये है आपका, यहाँ टू एक्स है, यहाँ एक्स है, तो इसका आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है भाई, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इस में टाइप थ्री का यूज करेंगे हम। वाई इक्वल टू कोस टू एक्स है ना, प्लस थ्री साइन एक्स। बच्चा बच्चा जानता है कि कोस टू एक्स को क्या लिखेंगे, और आप तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हो, तो इसको लिखोगे वन माइनस। ध्यान सुनिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही फंक्शन में होनी चाहिए, यहाँ साइन है तो इसको साइन में ही क्रिएट होना चाहिए, ये कोस में क्रिएट नहीं होना चाहिए, वरना परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ आपका है प्लस थ्री साइन एक्स। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए, क्वाड्रेटिक में चेंज करने के लिए इसको थोड़ा सा सोल्व किया जाएगा, और सोल आसानी से करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में इसको गलत कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये हो जाएगा इसका, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस कॉमन लेते ही बनेगा माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस, तो सॉरी माइनस थ्री साइन एक्स माइनस वन। क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहली कंडीशन होती है, हम देखूंगा, मैं जस्ट बताऊंगा आपको आगे, है ना। फर्स्ट कंडीशन होती है लीनियर कोफिशिएंट को वन करना। लीनियर कोफिशिएंट कौन सा है, जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है, यानी कि स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, और लीडिंग कोफिशिएंट को वन करना, इसका मतलब इसको वन कैसे करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो ये बनेगा, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री बाई टू साइन एक्स माइनस का वन बाई टू। हाँ जी, छोटी छोटी स्टेप हम आपके साथ साथ करते जा रहे हैं। आगे करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से बनाना है, माइनस टू बाहर लेना है, यहां देखिएगा ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अंदर साइन लिख देना है, माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा, और ये साइन एक्स मतलब इसका हाफ है, स्क्वायर का हाफ, इसका कोफिशिएंट को आधा करके स्क्वायर कर दीजिएगा। हम टेंथ क्लास में ये चीजें पढ़ के आए हैं, तो अगर बहुत सारे बच्चों के डाउट होगा तो मैं करवाऊंगा आगे, अगर डाउट नहीं है तो मैं डायरेक्ट खींचूंगा। एक मैं करवा देता हूँ, इसका कोफिशिएंट को आधा किस तरीके, कोफिशिएंट क्या है साइन एक्स का, टू बाई थ्री, और इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री बाई फोर, और इसका परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये घटा देंगे थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस लिख देंगे थ्री बाई फोर का स्क्वायर, आगे जो माइनस वन बाई टू है उसको लिख देंगे। परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से बनाया जाता है, मेक लीडिंग कोफिशियंट वन, है ना, स्टेप बाय स्टेप अगर आप मेरे से बोलना चाहते हो तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको बोलूंगा। अगर आपके समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको परफेक्ट तरीके से इसको करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। चलो, बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर इसको एक क्वेश्चन को परफेक्ट तरीके से करवा दिया जाएगा, तो चलो यहां से ही करवाता हूं। स्टेप बाय स्टेप करवाता हूं आपको, स्टेप बाय स्टेप। पहली स्टेप देखिएगा, पहली स्टेप है माइनस को बाहर लेना, टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस का थ्री साइन एक्स माइनस वन, ये आपकी स्टेप फर्स्ट है। सॉरी, पहली स्टेप है आपकी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉजिटिव बनाना, तो हमने पॉजिटिव बना लिया है, मतलब बाहर माइनस ले लिया है। अब इसका मेथड देखिएगा, यहां तक ये ए था, यह आपका ए था, बी को देखिएगा,
मेक वेडिंग कोफिशिएंट इक्वल्स टू वन। लीडिंग कोफिशिएंट को आपको वन करना है। सर ये लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। लीडिंग कोफिशिएंट जिन बच्चों को नहीं पता है, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक हो, बाइक्वाड्रेटिक हो या क्वांटम इक्वेशन हो, लीडिंग कोफिशिएंट वो होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती है स्क्वायर वाली, क्यूबिक होती है क्यूब वाली जिसकी पावर 3 हो, बाइक्वाड्रेटिक होती है पावर 4 वाली। इन जो भी आपके इक्वेशंस है इनका जो कॉन्स्टेंट है, कोफिशियंट है, इनका जो मल्टीपल कोफिशियंट है उनको बोलते हैं लीडिंग कोफिशियंट। ठीक है, तो इसको वन करना है। वन करने का मतलब होता है कि टू को सर हटाना है। टू को हटाएंगे तो टू को बाहर ले आएंगे हम, तो यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर अक्स माइनस का 3/2 साइन अक्स माइनस का 1/2। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपके शायद, मैंने बताया है। अब सुनिएगा, इम्पोर्टेंट बात और है। ये ऐसा का ऐसा ही है आपका, यहाँ हम लिखेंगे साइन एक्स, माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा, प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा, है ना। इसके साइन स्क्वायर का आधा, साइन स्क्वायर का हाफ पावर क्या होगी, साइन एक्स। इसका कोफिशियंट देखिएगा, इसका कोफिशियंट ये है, इसका कोफिशियंट आपका ये रहा। इस कोफिशियंट का आधा कीजिएगा, इस कोफिशियंट का आधा करेंगे तो बनेगा 3/4। 3/4 लिख के इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, है ना, और बाहर हमेशा माइनस लगा के 3/4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, और आगे जो माइनस का 1/2 है आपका वो लिख दीजिएगा। काम खत्म, काम खत्म। इसको थोड़ा सा एक्सोर कर लीजिएगा, ये बनेगा माइनस का 2, यहाँ नजर आ रहा है आपको साइन एक्स माइनस का 3/4, और यहाँ नजर आ रहा है आपको 9/16 माइनस 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये आएगा माइनस का 2 साइन एक्स माइनस का 3/4 का स्क्वायर, और ये सोल्व करोगे तो ये आएगा, एलसीएम ले लोगे 9 + 8/16, और इसको थोड़ा सा आप और सोल्व करोगे तो ये नजर आएगा आपको साइन एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर माइनस 17/16। कोई डाउट नहीं है, तो यहां से देखिएगा। अब स्टेप 2 कंप्लीट हो गई है, स्टेप 2, ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 क्या है, सी पॉइंट क्या है, स्टेप 3 यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, थोड़ी देर पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट्स की बात की थी, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है सर, रख दीजिएगा ना, तो क्या बनेगा ध्यान से सुनिएगा। आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये y इक्वल टू है, तो y इक्वल टू आप देखोगे तो ये आया है माइनस का 2, एक बार वापस लिखता हूँ, साइन अक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 17/16। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट रखते हैं तो साइन अक्स को 1 रख दीजिएगा, साइन अक्स इक्वल टू 1, 1 रखते ही यहाँ नजर आएगा आपको y इक्वल टू माइनस का 2, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 17/16, और इसको सोल्व करोगे तो आपको पता ही है जो वैल्यू आनी है आ जाएगी। फिर सेकंड रख दीजिएगा साइन अक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या बनेगा y इक्वल टू माइनस का 2, 0 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 17/16। इसको सोल्व कर लीजिएगा,
और थर्ड साइन अक्स मिनिमम वैल्यू देगा आपकी माइनस वन, तो यहाँ रखिएगा वाई इक्व टू माइनस का टू, माइनस का वन माइनस का थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस का सेवनटीन बाई सिक्सटीन, एंड इसको सोल्व कर लीजिएगा आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो एंड सोल्व फाइंड वाई मिनिमम एंड वाई मैक्सिमम। हाँ जी, वाई मिनिमम और वाई मैक्सिमम कैसे निकालोगे आप, इनको तीनों को सोल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो जो तीन वैल्यू आएगी उसमें छोटी वाली मिनिमम हो जाएगी, बड़ी वाली मैक्सिमम हो जाएगी। हमें दो ही वैल्यू से मतलब है, छोटी और बड़ी से। तो इस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप हमने काम किए हैं। पहली स्टेप आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, दूसरी स्टेप यहाँ से स्टार्ट की थी हमने, और तीसरी यहाँ से। तो इनको भूलना नहीं है किस तरीके से काम किया गया था। जब आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, है ना, कमेंट कीजिएगा भाई, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, बन रहा है जिनसे, मैं इनको कुछ एग्जांपल से परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाऊंगा। हाँ, जिनसे भी नहीं बन रहा है उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाऊंगा, गारंटी है मेरी। इस क्लास में मैं दो चार एग्जांपल लूंगा, उनसे उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखा दूंगा।